Good morning, friends, and morning from the roads. Welcome back to my YouTube channel Destinytraveler. और आज है संडे, यानी कि हमारे लिए राइड का दिन. तो आज मैं जा रहा हूँ, नहीं नहीं, आज की जो जगह है वो थोड़ी सस्पेंस है और सीक्रेट है. हमारे जासूसों के माध्यम से पता चला है कि ये जो जगह है वो एक हिल स्टेशन है, कपराड़ा में कहीं तो है वो. तो शायद से यहाँ से 90-100 किलोमीटर जैसा राइड होगा. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं. और यहाँ पे सूरज भी उग चुका है. हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन डी, जिससे कि हमारी नींद खुल सके. और सामने से सूरज दादा आशीर्वाद देते हुए आज वेदर इतना प्लेजेंट हो गया है कि क्या पूछो, ना ही ठंडी है ज्यादा ना ही गर्मी है. परफेक्ट फॉर राइड. और दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूंगा. मेरा जो पिछला वीडियो था ड्यूटास वॉटरफॉल, उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए, और कैसा लगा नीचे कमेंट भी कीजिएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको इजी रहेगा सब्सक्राइब करने में या फॉलो करने में. और हाँ, एक और बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं हर संडे ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई. थैंक यू. और ये हम पहुंच गए हैं नाना कोंडा. बजे है 7:30. घर से निकला था मैं 7 बजे, तो आधे घंटे में हमने 30 किलोमीटर जैसा जर्नी कर लिया है. और यहाँ पे हमें ढूंढनी है विटामिन डी. सो हमारा टी ब्रेक हो गया है. और यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर होगा अपना डेस्टिनेशन. तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं.
और ये काफी ऑफ रोडिंग होने वाला है। ये रास्ते के नाम पे खाली पत्थर है। पूरे का पूरा ऑफ रोडिंग हो गया है। इतनी मेहनत करने के बाद ओह ओह क्या नजारा है। चढ़ते तो चढ़ जा रहा हूँ लेकिन उतरते समय ये तो पूरा एडवेंचर हो गया। फाइनली यस 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 अच्छे लगे होंगे। तो अभी
अभी यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, ये मेन पीक है इसका, लेकिन मुझे अभी हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ी देर रुक के फिर वापस घर के लिए निकलता हूँ। तब तक आप ये नज़ारा देखिए।